तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में यूजर फॉर्म के बारे में, और यूजर फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट। तो एक एग्जांपल है हमारे पास कि मेरे पास क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर का डेटा है, इसमें एक पर्टिकुलर नेम है और ये नेम कई बार रिपीटेड भी है। अब मुझे एक यूजर फॉर्म क्रिएट करना है, मैं कुछ फाइलें खुली हुई है मैं उसको बंद कर देता हूं। तो हम एक यूजर फॉर्म यहां से इंसर्ट करते हैं, और यूजर फॉर्म में हम चाहते हैं यहां पे एक हेडिंग देते हैं ऊपर, और इस हेडिंग में यहां लिखते हैं सेल्स डेटा समरी, और फिर इसकी जो साइज है इसकी साइज मैं यहां फॉन्ट में जाके बड़ा कर देता हूं। और इसको हम बोल्ड कर देते हैं, साइज बढ़ा देते हैं। चलिए अब मैं यहां पे लिखता हूं सेलेक्ट नेम। तो बेसिकली मैं यहां पे कॉम्बो बॉक्स देना चाहता हूं, और अपने जो भी नाम मेरे उसमें है एक्सेल सीट में है वो नाम कॉम्बो बॉक्स में यहां आना चाहिए, उस नाम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट को सेट करेंगे कि प्रोडक्ट यहाँ पे कि प्रोडक्ट वन, ठीक है, और इसको यहां से यहां तक लेके चलते हैं। तो यहाँ एक दो तीन चार पांच, पांच प्रोडक्ट थे। तो यहाँ पे इस तरह से हम अलग अलग चेकबॉक्स नहीं लेते, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे भी कॉम्बो बॉक्स ही लेना चाहूंगा क्योंकि अभी मैं चेकबॉक्स नहीं पढ़े, हम कॉम्बो बॉक्स पढ़ रहे हैं, तो कॉम्बो बॉक्स भी इसको कर देते हैं सेलेक्ट प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, इस प्रोजेक्ट का आधा पार्ट मैं करूंगा, आधा पार्ट आपको करना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा सर। ये हमारा आ गया, और फिर यहां पे हमने, हाँ क्या बोलते हैं, सम के लिए यहां हमने दे दिया सेल्स का पार्ट, और यहां पे सेल्स। हाँ जसपाल जी, सर मेल करके बैठा हूँ, आपका क्लास तो स्टार्ट है। नहीं भेजा तो है मेल आपको मैंने, पता नहीं सौरभ जी को मिल गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कीजिए ज्वाइन कीजिए। लिंक तो सब दिन सेम ही होता है, लास्ट क्लास वाली लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है सर। तो अब मैं चाहता हूं सम निकालना कि मैं यहां क्या हो गया, तरीके रीसेट डाटा चला गया सर।
रीसेट हो गया, फिर से दिक्कत है। मैं दोनों वर्जन डाल रखा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है एक्सेल में। अब देखिए डेटा के रिकवर होता है कि नहीं होता है। वही डेटा है, नहीं डेटा लॉस्ट हो गया, मैं सेव नहीं किया था, डेटा लॉस्ट हो गया सर। वो नहीं, आप जो फाइल है बंद कर रहे थे, साथ आपने बंद कर दी थी। तो सर हैंग हो गया था, इस कारण से बंद किया था। चलिए मैं दोबारा से बना देता हूँ, 2 मिनट लगेगा डेटा बनाने में मुझे। हाँ जसपाल जी, सर प्रीवियस किसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिए ना, सब लिंक सेम होता है। लास्ट क्लास की लिंक से ज्वाइन कर लीजिए ना, लिंक सब दिन सेम होता है। हाँ लास्ट क्लास की लिंक नहीं है, कोई भी क्लास की लिंक नहीं है आपके पास। पर पुरानी से कर लो किसी। ठीक है सर, खोजने के चक्कर में बोल रहे होंगे क्योंकि तो भेजा हूँ मेल में उनको। पुरानी डेट का कर लेते। मैं दोबारा से डेटा बना रहा हूँ डेटा लॉस्ट होने के कारण, इसका नाम भी दे देता हूँ, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, और इसको हम सेव एज कर देते हैं ताकि डेटा लॉस्ट ना हो फिर से। क्या चलिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, यूजर फॉर्म डिजाइन करना चाहता हूँ यूजर बेसिक में, इंसर्ट यूजर फॉर्म, और हमने इसको बड़ा किया। और हम क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक कॉमो बॉक्स देते हैं कि सेलेक्ट, और यहाँ पे हम कॉमो बॉक्स देंगे नेम का। सो चेक बॉक्स हो गया, यहां से कॉमा बॉक्स लेते हैं तो कॉमा बॉक्स में पता चलेगा कि नाम, जो नाम है उसका लिस्ट आएगा, एक और कॉमा बॉक्स प्रोडक्ट का लिस्ट आएगा। ठीक है, और यहां पे भी सिलेक्ट करता हूं। ओके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दे देता हूँ सेल्स। तो सेल्स तो प्रोडक्ट में इस पे डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए किसी कॉम्बो बॉक्स में हम लोड क्या करेंगे, देखिए P1 से लेके P5 तक का प्रोडक्ट है हमारा, तो मैं यहाँ यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक किया और इनिशियलाइज पे क्लिक किया। जो हमारा कॉम्बो बॉक्स 2 है उसमें वैल्यू ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू ऐड करने का क्या होता है कि मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 से 2 है ना, 2 डॉट एड आइटम, डॉट एड आइटम, और क्या कौन सा आइटम है हमारा, तो हमारा प्रोडक्ट 1 है। तो ऐसे ही जितने भी आइटम होंगे वो करने के लिए आपको ऐसे ही प्रोडक्ट 1 2 3 करना पड़ेगा, लेकिन हम इसके लिए विथ कमांड लगा लेंगे तो हमारे पास सिंपल होगा कि विथ
और फिर इसको यहाँ से तोड़ देते हैं डॉट और आइटम, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी पी टू डॉट एड आइटम, यहाँ हो जाएगा आपका पी थ्री डॉट एड आइटम, यहाँ हो जाएगा आपका पी फोर डॉट एड आइटम, यहाँ हो जाएगा ये आपका पी फाइव, और फिर यहाँ पे मैं एंड विथ कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे हमारा यूजर फॉर्म ओपन होगा तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। तो हम यहाँ ये हो गया, एक और हमें करना है ऑल का। तो सर इसको क्या वो इधर क्या किया था आपने? क्या इधर मतलब यूजर ये ऊपर सबसे ऊपर क्या सिलेक्ट किया था पहले? क्लिक था ना? हाँ क्लिक था, इनिशियलाइज किया यानी इनिशियलाइज किया हुआ ये देना पड़ेगा। हाँ उसके लाने के लिए। अच्छा। हाँ ये बेसिकली ये आपका कब ऐड हो, जब भी मेरा फॉर्म पॉपअप हो तब दो, जब भी फॉर्म मेरा ओपन हो इनिशियलाइज हो तो मेरा ये कोड वर्क करे, जैसे अप्लाई हुआ तो वर्क किया। ठीक है ठीक है। अब दूसरा इसमें आप एक थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है हमको कि हम यही करें। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा रख देते हैं और डेटा रिलेशन में मैं रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, तो इसमें रिमूव डुप्लीकेट, तो ये हमारा डुप्लीकेट रिमूव होके यहाँ आ गया। तो के ए टू से लेके के नाइन, तो आप एक तरीका और भी है कि इसको सेलेक्ट करके आपका सीट से अगर लिंक करना चाहते हैं तो भी लिंक कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको लिखेगा रो सोर्स, रो सोर्स नाम का एक यहाँ प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन मिलेगा रो सोर्स, उसमें आप लिख दीजिए शीट शीट नहीं क्वार्टर है यहाँ पे, क्वार्टर वन देना पड़ेगा। हाँ क्वार्टर फोर सेमीकोलन के टू से के नाइन, ये है ना के टू से के नाइन सीट फोर। तो अब क्या होगा कि अब मैं प्ले करूंगा तो यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे तरीका यह है कि मैं अगर पूजा सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वन सेलेक्ट किया तो पूजा प्रोडक्ट वन के केस मतलब एक क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स में सारे शीट्स के जो डेटा है उसमें से इसका सम निकाल दे ऑल सम समिट से। अगर मैं ऑल करूं तो मतलब पांचों का आना चाहिए। तो सबसे पहले जानिए कि सम करने का फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल में, तो होता है सम इफ। तो सम इफ में हमने रेंज सेलेक्ट किया, यहाँ पे पूजा को सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे अगर क्वार्टर वन सेलेक्ट एपी प्रोडक्ट वन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। हाँ जसपाल जी लिंक भेज दिया मैंने आपको सर, आपकी मेल आईडी में फिर प्रॉब्लम है क्योंकि मैं आपको फोन किया उसके बाद मैंने भेजा, सौरभ जी के सामने में भेजा हूँ मैं जी भेजा था। तो चलिए समीफ है, तो हम समीफ के लिए क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक बटन लगाता हूं
कमांड बटन। यहां पे लिखता हूं शो डेटा, राइट। फिर इस पे डबल क्लिक करता हूं और यहां पे लूप लगाऊंगा कि फोर आई तो चले वन टू, चार सीट है ना मेरे पास, हाँ क्वार्टर चार है, चार सीट है, वन टू फोर नेक्स्ट आई। और फिर मैं इसमें एक वेरिएबल लेता हूं डिम एस एज ए लॉन्ग, और यहां पे एस इक्वल टू एस प्लस एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम इफ, और सम इफ में हमने यहां पे दे दिया रेंज सीट्स आई डॉट रेंज ए में हमारा है तो पता है हमें ए ले लिया हमने, ए पूरा ए कॉलम। फिर क्राइटेरिया हमारा है मी डॉट कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू, और सम रेंज हमारा है ठीक है सीट्स आई डॉट रेंज बी, फिलहाल तो मैं बी लेता हूं, फिर इसको भी ऑटोमेट करना पड़ेगा बी से भी, और ये कंप्लीट चलेगा, और लास्ट में हम हमारा जो होगा वो होगा मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, विजुअल नेम वैल्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एस। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया पूजा और यहाँ पे शो डेटा पे क्लिक किया तो ये पूजा क्वार्टर वन क्वार्टर वन क्वार्टर थ्री प्रोडक्ट वन का आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं तो प्रोडक्ट के बिहाफ पे ही भी आए, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंडीशन देना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस पे कंडीशन देना पड़ेगा। ये जो हमारा बी बाई बी है इसको चेंज करने का कोई ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है सर। तो हम यहां पे हमें म्यूट कर लेते हैं, तो यहां पे हमें देना है कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ मी डॉट कॉम्बो वॉक्स टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पी वन देन ये फॉर्मूला चलना चाहिए। फिर यहां पे हो जाएगा, कॉपी करता हूं, एक काम क्योंकि मुझे ऑल का भी चाहिए तो हम क्यों नहीं एक काम करते हैं सारे प्रोडक्ट हर कॉलम के लिए करवा लेते हैं। यहां पे मैं गलत कर दिया, मैं यहां पे कंडीशन लगाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास ऑल भी है ना इसमें क्या जी जी सही तो, है। तो मैं यहां पे प्रोडक्ट वन कॉमा प्रोडक्ट टू कॉमा प्रोडक्ट थ्री कॉमा प्रोडक्ट फोर कॉमा प्रोडक्ट फाइव कॉमा ऑल, पांच छह वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है ना। और यहां पे हम प्रोडक्ट वन दे दिया कि भाई बी बाई बी होना चाहिए। अब इसी प्रोडक्ट यहां पे पी वन प्लस
करना जरूरी है, ठीक है। अभी इसी कोड को मैं 5 बार पेस्ट कर देता हूं, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 और यहां प्रोडक्ट 5 एंड ऑल। नहीं, ऑल तो सबको सम कर देंगे ना, माफ करते हैं, ऑल हटा देते हैं इसमें, ऑल तो सब सम हो जाएगा ना। तो यहां भी हमारा प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 एंड प्रोडक्ट 5, और इसमें बी के जगह पे हमारा सी हो जाएगा, बस हम कॉलम चेंज करते जा रहे हैं, सी के जगह पे यहाँ पे डी हो जाएगा, ई एंड एफ, एफ, ठीक है ना। सिर्फ सम रेंज ही तो चेंज करना है ना हमारा, F तक हो गया, B से लेके F तक, सही है, A B C, B C D E F हो गया। चलिए उसके बाद यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ मी डॉट कॉम्बो वर्क्स टू डॉट वैल्यू, नहीं यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट केस लगाने में ही बेहतर है, सिलेक्ट केस विथ हमने दे दिया एस, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ कॉमा एस एज लॉन्ग एस, और यहाँ नहीं एस नहीं करना, एस तो बाद में करना है, इसमें देना है मी डॉट कॉम्बो वर्क्स, कॉम्बो वर्क्स टू। अब यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट और जैसे यहाँ पे केस देना है कि केस इक्वल हुआ हमारा पी वन, तो एस इक्वल टू ई, यहाँ पे एस इक्वल टू पी वन, फिर यहाँ पे केस, क्योंकि इफ में दिक्कत होता इसलिए हमने ये इसी को कॉपी करता चला गया, पेस्ट 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 पेस्ट, यहाँ जाएगा पी टू हुआ तो यहाँ पे पी टू आना चाहिए, पी थ्री है तो पी थ्री आना चाहिए, पी फोर है तो यहाँ पे पी फोर आना चाहिए, पी फाइव है तो पी फाइव आना चाहिए, और यहाँ पे देना है केस अगर ऑल है तो S इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव, और फिर एंड सेलेक्ट, और यहां आपका है कॉम्बॉक्स डॉट वैल्यू दिख ही रहा है। अब चलिए तो सिलेक्ट किसको, मैं बताता हूं आपको, 1706 पी टू किया पर 5300 ऑल कर दिया 2300। अब बताइए आप क्या बोल रहे थे सौरभ जी, सिलेक्ट केस का क्या मतलब हुआ सर, ये क्यों करा हमने? तो आपके पास बहुत ज्यादा कंडीशन हो तो सिलेक्ट केस करते हैं, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी शायद आप भूल गए, इफ हम नेस्टेड इफ जब करते हैं तो नेस्टेड इफ में तो बहुत सारे इफ लगाने पड़ते थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपके पास कई सारे कंडीशंस है, सिंपल कंडीशंस है तो आप केस लगा सकते हैं, सिलेक्ट केस और इसके बाद डाल दीजिए अपना कॉमा बॉक्स टू डॉट वैल्यू करना यहाँ चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं करने पे चलता है, उसके बाद आप केस 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 कंडीशन डालते जाओ, इफ का काम कर रहा है, नेस्टेड इफ कर रहा है, हाँ बार बार आपको एंड इफ एल्स इफ देन ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली हो जाएगा। तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है सर जी जी जी, और रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ आपको जी। हेलो, हाँ सर, हाँ मैं जसपाल बोल रहा हूँ सर, हाँ सर मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा आपको मिल जाएगी सर, ठीक सर। एक मैंने और पूछना था,
जब हम फंक्शन लगा